मैं हम आपको व्हाट्सअप करा देते हैं इनके एप्लीकेशन, आप अलाउ कीजिए, हम लोग तो यही खड़े हैं इको पार्क में। अच्छा हम देख लेते हैं, भेजेंगे, हम दिखवा लेते हैं। नहीं नहीं कब तक बताइए, हम आपको हम भेज देते हैं। बता दीजिए इनको कौन बोल रहे हैं। आप तेजस्वी यादव बोल रहे हैं डीएम साहब? कोई परमिशन ले नहीं रहा है इन लोगों को किधर हो जाए धरने के लिए। ठीक है तो रिसीव भी कर रहा है, वहाँ तो राइट है ना इन लोगों को धरने के लिए। मैंने विभाग से नहीं, यहाँ तो आप लोगों के जो अधिकारी होते हैं इंटीमेट करना पड़ता है ना धरने के लिए प्रदर्शन नियंत्रण का। आप क्या कहा जा रहा है कि नियम थोड़ा बदला होगा कि हर दिन का परमिशन मिलेगा, अनिश्चितकाल नहीं मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, आप यहाँ सब अभ्यर्थी लाठीचार्ज हुआ होगा, आपको जानकारी में हो गए। अभी भी लाठीचार्ज हुआ चल ही रहा, कल रात में भी लाठीचार्ज हुआ गर्दनीबाग स्टेडियम में, सब लोग था खाने पीने का उन लोगों का जो सामान था उठा करके फेंक दिया गया। अभी सब लोग इको पार्क में, कुछ लोग आए हैं कुछ लोग इधर उधर हैं, तो इन लोगों का खाली यही है कि एक जगह ही लोग चाहते हैं बैठ करके, कम से कम जो इनका डेमोक्रेटिक राइट है वहाँ धरना दें। इसमें हम आपको व्हाट्सअप करा देते हैं इनके एप्लीकेशन, आप अलाउ कीजिए, हम लोग तो यही खड़े हैं इको पार्क में। अच्छा हम देख लेते हैं, भेजेंगे, हम दिखवा लेते हैं। नहीं नहीं कब तक बताइए, हम आपको हम भेज देते हैं। बता दीजिए इनको कौन बोल रहे हैं। आप तेजस्वी यादव बोल रहे हैं डीएम साहब? ना ना ना, हम आपको व्हाट्सअप हम भिजवा देते हैं। नहीं नहीं ठीक, नहीं नहीं हम लोग हैं उसको पास में, जल्दी नहीं तो ये लोग फिर इधर यहीं बैठना पड़ जाएगा हमको। आज अस्पताल चाहिए, कोई नहीं सुनने वाला देखने वाला, शिक्षकों की भारी कमी है, हर जगह प्रोफेसर्स की कमी है यूनिवर्सिटीज में। आप देखिएगा सपोर्टिंग स्टाफ हो, नर्स हो, सब जगह जो वैकेंसी खाली, तो हमने यही कहा था ना कि जो रिक्त पदे हैं आते ही हम जो है 4.5 लाख वो भरेंगे और 5.5 लाख नौकरियां वो होंगी जो कि राष्ट्र औसत के मुकाबले आने की। मान लीजिए जितना हमको ज़रूरत है कम से कम उतना भी हमको पद भरना होगा, और हमने तय भी कर दिया था कि पहले कैबिनेट मीटिंग में जो है इसको हम पूरा करेंगे। हालांकि जो वजह हम भले ही हमारी पार्टी को, हमारे गठबंधन को ज़बरदस्ती विपक्ष में डाला गया, लेकिन इससे हमको परवाह नहीं। जो मेरा कल मुद्दा था, हमारी सरकार जब बनती जो हम काम करते, लेकिन यही है ना, ये लोग तो साजिश से विधानसभा बंद करना चाह रहे थे, और जाहिर से जब विधानसभा को मौन आप कर दीजिएगा तो हमको सड़क पर उतरना ही पड़ेगा। हमने ये भी कहा था कि मुख्यमंत्री के आवास का हम घेराव करेंगे, क्योंकि आप को जो है उम्मीद सरकार से नहीं। आप हाँ दीपक जी नमस्कार, नमस्कार। नहीं नहीं हम लोग यहाँ इको पार्क में भारी सब लोग बैठा हुआ है, आंदोलन करता सर, शिक्षक वाले सब, जिनका अभी कोर्ट से भी ऑर्डर आया था 4 दिसंबर को कि नियुक्ति पत्र जारी करने का, तो इन लोग गर्दनीबाग में एप्लीकेशन वगैरह दिए हुए थे, इन लोगों को फार करके फेंक दिया गया। अब इन लोगों का डेमोक्रेटिक राइट है ना कि भाई धरना प्रदर्शन दे सकते हैं सरकार को इंटीमेट करके। तो अभी लोग हैं नहीं, कहीं दूर दराज से लोग आया हुआ है, खाने पीने का सब टेंट तंबू सब उखाड़ दिया गया इन लोगों का। हमारी एससी से भी बात हुई थी, हम बोले भाई धरने का तो इन लोगों को राइट है, और लोग गर्दनीबाग में अगर शांतिपूर्ण ढंग से अगर ये लोग कर रहे हैं तो उनको कम से कम अनुमति होनी चाहिए वहाँ करने की। अब आप देखिए अब इको पार्क में लोग हम लोग बैठे हुए हैं, टिकट कटा कटा करके बैठा है लगभग हज़ारों की संख्या में, हम यहाँ आए हुए इन लोगों के पास मिल रहे हैं। आप डीएम से कम से कम इन लोगों की अनुमति वहाँ बैठने की इजाज़त तो मिले, सर्दी का मौसम है, ठंड है, तो फिर हमको बैठना पड़ जाएगा इको पार्क में। निकल जाएंगे, निकल जाएंगे।
वाह।